हेलो मॉमी, सो वेलकम टू द चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पेरेंट्स। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बेस्ड है मॉमीज के एक्सपीरियंस पे, सो चलिए देखते हो। तो मैंने एक फेसबुक पे आया जिसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था कि शुड आई स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस फॉर माई 3.5 ईयर्स डॉटर। पेरेंट्स हु हैव स्टार्टेड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। तो काफ़ी पेरेंट्स ने इस पर रिप्लाई किया है। तो ये रिप्लाई क्या किया है, उसमें से कुछ पेरेंट्स ने किया है यस जो है वो तकरीबन 60% पेरेंट्स ने यस किया है। और उसमें से कुछ पर्सन हैं जो कि कन्फ्यूज हैं, उन लोग वो भी सोच रहे कराऊँ कि नहीं कराऊँ। और कुछ पेरेंट्स ने किया है कि बिल्कुल भी नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ज्वाइन करा दिए थे फिर डिसकंटिन्यू करा दिए, क्या वजह है। तो चले, तो सबसे पहले क्यों कराना चाहिए, ठीक है। तो मैंने रीज़न भी पूछा था, तो उन लोगों ने रीज़न मेरे साथ शेयर किया है, जिसका पहला रीज़न है कि बच्चे जो है वो रूटीन में आ जाते हैं। वो उन्हें पता चल जाता है उनका टाइम टेबल क्या है, जैसे कि बच्चे रूटीन में आ जाते हैं। दूसरे है कि दूसरे बोल रहे थे कि फीस इतना ज़्यादा नहीं है इसलिए हम लोगों ने करा दिया। और कुछ लोग ये कहा है कि बच्चे इंजॉय कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। और कुछ लोग ने ये भी कहा है कि बच्चे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं अगर दूसरे बच्चे को और सीख रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने कराया है और ये कंटिन्यू रखा है। और कुछ लोग बोल रहे हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है इसमें लर्निंग का, इसीलिए हम लोगों को लगा ये ज़रूरी है इसलिए हम लोगों ने करा दिया है। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये सीक्वेंस में लर्निंग को लेके जाते हैं, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर किड्स। और कुछ पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट हुआ था बट बच्चे को बैठाना, बट एट द लास्ट आफ्टर 1 और 2 मंथ्स वो लोग अब बैठ रहे हैं अपने मन से। तो ये तो हो गया कि क्यों कराना चाहिए, ठीक है। और कुछ पेरेंट्स जिन्होंने कहा है कि नो नहीं कराना चाहिए, उनका क्या वजह है कि बच्चे बैठते नहीं हैं इस एज में। क्या होता है बच्चे को बैठना नहीं है रोलर स्क्रीन के सामने, या तो वो खेलने लगते हैं, बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, वेस्ट ऑफ टाइम है। कुछ पेरेंट्स बोल रही है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, और इस एज पे बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और सबसे बड़ा जो वजह इन लोगों ने बताया नहीं कराने का वो ये कि उन लोगों का हैबिट्स, रीडिंग हैबिट्स एंड राइटिंग हैबिट्स नहीं जनरेट होता है अच्छे तरीके से। वो लोग बस स्क्रीन पे देखते हैं, बोर होते हैं, ऐसे कुछ कुछ देखते रहते हैं और इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहता। तो इससे ये होता है कि वो चीज़ अगर मैं घर पे बनाने बैठती हूँ तो वो उनको लगता है ये नहीं करना मुझे, तो एक माइंड सेट कर लेते हैं। तो इसीलिए उन कुछ लोगों ने इसको नहीं करना प्रेफर किया है, बोल रहे नहीं करें। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन नहीं है, बस क्लास मतलब अपर के जी और लोअर के जी की वजह से, जैसे अगर बाद में डालेंगे तो वापस से लोअर के जी में डालना होगा, इसलिए अभी ऑनलाइन में डाल दिया ताकि अगले साल अपर के जी में जा सके बच्चा, और साथ साथ होम स्कूलिंग भी करा रहे थे। सो बोथ के लिए जो गए हैं वो है तकरीबन 80% पेरेंट्स गए हैं बोथ में। और यहाँ पे एक टीचर मुझे मिली है, 2-3 टीचर मिली है जो जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो भी मम्मी हैं, बट वो बता रही हैं कि वो इंटरनेशनल स्कूल की टीचर हैं और उन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया है कि एज अ टीचर मैं बता रही हूँ कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी, और बच्चों के आँखों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उन्होंने बताया कि हम लोग किंडरगार्टन क्यों भेजते हैं बच्चों को, सोशलाइज होने, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने, प्लस अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज करने, जिससे उन लोगों का स्किल एनहांस हो और साथ ही साथ लर्न करने। तो ABC तो हम लोग घर पे भी सिखा सकते हैं और ये सब तो कुछ हो नहीं रहा है सोशलाइज, और एक्टिविटीज़ जहाँ तक बेस्ट है वो तो घर पे भी हम लोग दे सकते हैं। सो अगर बड़े लोगों को आजकल आई साइट का प्रॉब्लम हो रहा है ये स्क्रीन की वजह से, तो छोटे को कितना प्रॉब्लम होगा इसे समझें और फिर आगे का सोचें। तो बेस्ट वे उन्होंने बताया है कि आप लोग अपने घर पे होम स्कूलिंग करें और ऐसा कुछ ऐप्स होता है उसको इंस्टॉल करें, उसमें बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है वो देखें और बच्चे को टाइम दें। तो ये था इन लोगों का व्यू। सो ये हो गया। सो पर्सनली मेरा क्या ओपिनियन है होम स्कूलिंग और ऑनलाइन क्लासेस के बेस पे, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप बच्चों को 3 आवर्स दे सकते हो कंटिन्यू और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो आप ऐसा ऑनलाइन क्लासेस
के लिए जा सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बच्चे अकेला नहीं कर सकते, ये बहुत ही न्यू है बच्चों के लिए और साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी। अगर आपके घर पे एक बच्चे हैं या दो बच्चे जो बड़े हैं और एक 3 इयर्स के हैं या 4 इयर्स के हैं और आप उनको टाइम दे सकते हो तो आप जाएं। लेकिन मेरे केस में क्या है, अगर आपके घर पे दो बच्चे हैं जैसे 3 इयर्स और 1.5 इयर्स, इसमें क्या होता है, मुझे दोनों बच्चों को टाइम देना, मैं एक को लेके नहीं बैठ सकती। और जैसे कि अभी ये लॉकडाउन और हेल्पिंग हैंड्स लिमिटेड हो गया है, तो हमें घर मतलब बच्चों को खुद ही हैंडल करना होता है, कोई आउटसाइड मेंबर्स नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि हम लोग बच्चों को कंटिन्यू इतना टाइम नहीं दे सकते, मिनिमम आपको एक आवर तो चाहिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अगर आप नहीं दे सकते तो होम स्कूलिंग इज़ द बेस्ट, तो वेस्ट है ऑनलाइन क्लासेस कराना। इससे अच्छा है कि आप होम स्कूलिंग कराएं। होम स्कूलिंग में फ़ायदा ये है कि आप जो है अपने जो छोटे वाले बच्चों को भी सिखा सकते हो और साथ साथ जो 3.5 है या प्लस है उससे उनके लिए भी फ़ायदा है। तो इस तरीके से दोनों बच्चों के लिए फ़ायदा हो जाएगा और एज अ मम्मी मैं जहाँ तक मानती हूँ वो मेरे लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को इंगेज कर सकती हूँ साथ में और जैसो सिखा सकती हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें। मैं इस चैनल पे ये ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा टास्क जो बच्चों को मैं देती हूँ वो लेके आऊँ ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो। चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें कुछ पेरेंट्स के साथ जो इस कन्फ्यूजन में है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में डालना चाहिए या नहीं। ये है पेरेंट्स का एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।